अल्लाह ने कहा वो मेरी उम्र करीबन 40 के आसपास है शायद। बुआ ने कहा मैं 80 की हूँ, तेरे से डबल। तुम्हें जितना ज्ञान है उसे कई गुना ज्यादा मेरे को है। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा ज्ञान मत दो। ये जो तुम जो बोल रहे हो ना, ये देह मिथ्या है, परिवार में ममता नहीं रखनी चाहिए, सब पढ़कर बैठी हूं, वैसे ही बाल सफेद नहीं हुए। कहा प्रभु ने तो बुआ जी चिंता कौन चीज की है। अरे कृष्ण क्या बताओ, चिंता ऐसी है कि वो चिंता कहीं गई नहीं है। वो जब तक चिंता नहीं जाएगी तब तक प्राण नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा बुआ छोड़ो, तेरी चिंता मुझे दे दो, ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी जितनी चिंता हो लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी चिंता को संभालूंगा, तुम भगवान का नाम लो। और तुरंत बुआ जी ने कहा भद्रा, रुक झुम करती हुई भद्रा बाहर आई। भगवान का प्रभु ये चिंता है भद्रा, मेरी ये पुत्री है और मेरी पुत्री भद्रा की बड़ी चिंता है, कौन उसका पति बनेगा। तुरंत हाथ लेकर भद्रा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान बिचारे हाँ बोले ना बोले, उससे पहले वो बुआ जैसे कृष्ण हो गई, सदा के लिए आगे बढ़ गई। भगवान समझ गए, भद्रा को कहा जाओ बैठो रथ में। भद्रा जी आए और रथ पर बैठे। तुरंत प्रश्न हुआ परीक्षित महाराज को, सुखदेव जी को रोका, प्रभु की कथा आगे मत जाने दीजिए, मेरे मन में एक प्रश्न है। बुआ की पुत्री तो बहन होती है और भगवान ने अपनी बहन के साथ विवाह क्यों किया, ये उचित नहीं है। क्यों भगवान ने बुआ की पुत्र के साथ विवाह किया? और तब जाकर उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। उत्तरे दक्षिणे मातुली कन्या, उत्तरे मांस भोजनम चरमोदकम तु विप्राणा उच्छिष्ट भोजन गुर्जरे प्रांते। चार प्रकार की परंपरा बताई। बोले परंपरा गलत नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अलग अलग देश में अलग अलग परंपरा है। अब बंगाल प्रदेश में जाइए, वहां मांस खाना ये वहां की परंपरा है, इसलिए वो खाते हैं, वो मछली मच्छी को भी पवित्र मानते हैं। जब कन्यादान करते हैं तो उस कन्या के हाथ में मच्छी दी जाती है, ये वहां की परंपरा है, इसलिए वो परंपरा गलत नहीं है। मच्छी मतलब मांस खाना ये बंगाल प्रदेश की परंपरा है। उसी तरह दक्षिण प्रदेश की परंपरा है मामा की पुत्री से शादी करना, वहां मामा के घर में विवाह संबंध बांधे जाते हैं। एक चर्मोदगम तु वैद्या नाम, जो वैद्य होते हैं, जो दवाई देने वाले होते हैं, वो चमड़ी की चमड़े के पात्र में दवाई भरते हैं और सबको देते हैं। चमड़े में रखी हुई वस्तु खानी नहीं चाहिए और पीनी भी नहीं चाहिए, मगर फिर भी हम दवाई पीते हैं, तो ये परंपरा है। और एक हमारे गुजरात की परंपरा बताई। बोलो जय श्री कृष्ण। उच्छिष्ट भोजनम, जूठा खाना, ये गुजरात की परंपरा। एक थाली में दो तीन लोग खा लेते हैं, यहाँ तक की परंपरा हमने देखी। एक थाली में खाएंगे, मम्मी ने दो रोटी दी है, चार रोटी दी है, दो रोटी हमने खा ली और दो बच्ची बोले नहीं लो चोखी छे ऐठी नहीं करी। एक ही थाली में है, हमने खाया तो वो जूठा हो गया, पर वो खाते हैं जूठा। अब राजस्थान गुजरात में जाइए तो एक थाली में चार पांच लोग बैठकर भोजन करते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक साथ भोजन करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। ये आप शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अशुद्ध नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि पत्नी का भी अशुद्ध खाने को मना है शास्त्र में, नहीं खाना चाहिए, परंतु वो खाते हैं क्योंकि वो वहां की परंपरा है। उसी तरह दक्षिण प्रदेश में मामा की पुत्री से विवाह करना ये परंपरा है, इसलिए भगवान ने दक्षिण प्रदेश की परंपरा का निर्वाह किया, परंपरा का भगवान ने पालन किया, ऐसा कहके शुभदेव जी ने उनको समझाया। बोले ये वहां की एक परंपरा थी, परंपरा का ज्ञान दिया। उसके बाद में भगवान जब घर पर पधारे तो भद्रा नाम की कन्या को भी भगवान लेकर आए, और जो भगवान का सातवें नंबर का महल था वो भगवान भद्रा को, भगवान ने भद्रा को दे दिया। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ, भगवान के महल से पूर्व दिशा में एक राजा थे। ये राजा की कन्या बहुत सुंदर थी और इस कन्या ने ऐसा प्रण लिया था कि जब तक मैं किसी को देख कर मेरे मन में न बसाऊं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। मतलब मैं जब पुण्य करूंगी, मैं जब पूजा करूंगी, पूजा करते करते जब भगवान प्रसन्न न हो जाए तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब ऐसा कठिन व्रत था, कई व्रत किए मगर भगवान पसंद नहीं हुए।
अब राजा ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को बताया मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखिए क्या बात है, उसको कभी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो कहा एक काम करो, तुम्हारी पुत्री को व्रत करने के लिए द्वारका ले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां जाके व्रत करेगी तो शायद भगवान प्रसन्न हो जाए। कहा ठीक है। अब कन्या को लेकर द्वारका आए और द्वारका में आकर समुद्र के तट पर वो तप करने बैठी। 7 दिन तक वहां पर जप किया, भगवान का नाम लिया। 7वें दिन व्रत का पूर्णा, व्रत की पूर्णाहुति करने के लिए हाथ में कलश लिया और दूर से भगवान सूर्य को जल चढ़ा रही थी और जल चढ़ाते 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 जल चढ़ाने का समय और उसी समय द्वारकाधीश को वहां से गुजरने का समय, ये जल चढ़ा रही थी और वहां से द्वारकाधीश निकले। और द्वारकाधीश निकले तो जैसे ही पानी के जल जा रहा था, उस पानी के बीच में से सामने की ओर उन्हें द्वारकाधीश दिखाई दिए और लगा कि जैसे मेरे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए। भगवान के स्वरूप को देखकर वो पर खुश हो गई और भगवान को प्रार्थना की कि ओहो भगवान आज आपने मुझे दर्शन दिया, भगवान में धन्य हो गई। पिताजी को कहा कि अब शादी करूंगी द्वारकाधीश से ही करूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा द्वारकाधीश को अपने घर पर बुलाइए। राजा ने द्वारकाधीश को अपने घर पर बुलाया, सब बात कही, प्रभु मेरी पुत्री तप कर रही थी और आपका दर्शन हुआ, आप उसका स्वीकार करिए। भगवान ने कहा जैसी ठाकुर जी की इच्छा, बिठाओ रथ में। और भगवान ने 8वीं लक्ष्मणा को अपने रथ पर बिठाया। भगवान घर पर आए, दरवाजा खटकाया और रुक्ष्मणी ने दरवाजा तो खोला, आरती करते करते भगवान के कान में कुछ कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को कान में कहा कि प्रभु एक बात बोलूं, मैं शादी करके आई, 1 साल के बाद में आप सत्यभामा को लेके आए। ऐसे करते करते भगवान 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, प्रत्येक वर्ष में ये सब लीलाएं हुई है। प्रभु 8 साल हो गए और अभी 8 ही महल भरे हैं, लग रहा है 16108वां जब भरेगा तब मैं बहुत बड़ी बुढ़िया रहूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान इतने रथ कब भरेंगे? भगवान ने कहा समय आएगा तो एक झटके में पूरा भर देंगे। और समय आ गया। भगवान जिस समुद्र में रह रहे थे, जिस समुद्र के बीच में नगरी थी, उसी समुद्र की पूर्व दिशा में एक असुर था। वो असुर ने अनेक कन्या, भौमासुर नाम का एक असुर था जिसने अनेक कन्याओं को पकड़कर अपने महल में बंद कर दिया था। सभी कन्याओं के बारे में लोग भरा बुरा बोलते थे, राजा ने सबको बंद कर दिया है। ये समाचार द्वारकाधीश को मिला और स्त्री के ऊपर होने वाले अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान द्वारकाधीश अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर उस राजा के ऊपर आक्रमण करने गए। भयंकर युद्ध हुआ, राजा को मार दिया। राजा को मारकर उनके जेल में जो ये सब कन्याएं बांधी हुई थी, भगवान ने सबको छुड़ाया और उनकी संख्या थी 16,100 कन्याओं को छुड़वाया। भगवान ने कहा कन्या अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाकर अपने माता पिता की सेवा करो। कन्याओं ने कहा हे प्रभु आपने हमें छुड़ाया, हमें आपके चरणों की दासी बनाइए, क्योंकि भगवान ये संसार बहुत विपरीत है, हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे संसार बुरा ही बोलेगा। हम माता पिता के घर जाएंगे तो लोग भरा बुरा कहेंगे, बोले इतने साल तक राजा के दरबार में रही और वापस आई, हमारा कोई स्वीकार नहीं करेगा, लोग हमें अपवित्र मानेंगे, प्रभु हमें आपके चरणों की दासी बनाइए। भगवान ने बहुत मना किया, तब सभी रानियों ने भगवान से कहा प्रभु याद करिए पिछला जन्म। बोलो जय श्री कृष्ण। पिछले जन्म में आप राम थे, सीता के साथ विवाह करने आए और जब आपका सीता के साथ विवाह हो रहा था उस समय हम 16,100 सीता की सखी, उनकी बहनपणी, उनकी मित्र थी, और जब आपका विवाह सीता के साथ हो रहा था तो हमारे मन में भी इच्छा हुई थी ये भगवान ये पति हमें क्यों नहीं मिला, ये राम हमारे पति बने तो कितना अच्छा। हम सब के मन में यही विचार आया, इसलिए आपने कहा था कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम आपको हमारी पत्नी बनाएंगे। भगवान ने कान पकड़े, चलो आओ पीछे पीछे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक रथ में तो बैठाना मुश्किल है सबको, पैदल आओ सब। भगवान रथ लेकर गए पीछे पैदल पैदल पैदल, 16,100 कन्याएं आ रही थी, दरवाजा खटखटाया, रुक्ष्मणी ने दरवाजा खोला, रथ में कोई नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के क्या बात है, व्हाट अ सरप्राइज प्रभु, आज कोई नहीं। भगवान ने ऐसे कहा पीछे देखो, ओह भगवान इतने सारे, बोले एक झटके में सब बाहर भर देंगे। रुक्ष्मणी ने कहा तो मैं सबको तिलक करूं,
भगवान ने कहा कि तिलक करोगे तो दो दिन लगेगा, जरा छींटा लाड लो सब हो जाएगा। कुमकुम लेके छींटा डाल दिया, तभी से छींटा करने की परंपरा आई है। कुमकुम लेकर सबको छिड़का, अक्षत से सबका स्वागत किया, एक साथ एक 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 महल को देकर भगवान ने सभी महलों को भर दिया और भगवान की पत्नी हुई 16108। नारद जी के मन में शंका हो गई, भगवान एक और पत्नी इतनी सारी, कली काल में क्यों, तो इतने एक को भी संभालना बहुत मुश्किल है, बोलो जय श्री कृष्णा, और भगवान ने इतने को कैसे संभाला। नारद जी ने सोचा ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। परीक्षा करने के लिए नारद जी ने कुछ गड़बड़ की। एक दिन नारद जी रुक्ष्मणी के महल में गए और रुक्ष्मणी को पूछा, रुक्ष्मणी बुरा मत लगाना, एक बात पूछू। हाँ पूछो नारद जी। रुक्ष्मणी सही बताओ, भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, भगवान प्रेम किसको करते हैं? रुक्ष्मणी ने कहा ऑफ कोर्स मुझे, मैं सबसे पहली हूं और मेरे साथ तो भगवान ने चार फेरे लिए हैं, मुझे जितना प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते। लक्ष्मण नारद जी ने कहा कभी पति की परीक्षा ली है? बोले नहीं, लेकर देखो तब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक काम करो, कल ठीक शाम को 7 बजे भगवान को तुम अपने महल में बुलाओ, यदि 7 बजे द्वारकाधीश तुम्हारे महल में आए तो समझना द्वारकाधीश तुम्हें प्रेम करते हैं, और न आए तो समझ लेना कि नहीं करते। कहा ठीक है। यहां से इतना बोलकर भगवान गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा को कहा, सत्यभामा भगवान किसको प्रेम करते हैं? सत्यभामा ने कहा ऑफ कोर्स मुझे, मैं तो सेवंतक मणि के साथ आई थी। अच्छा ठीक है, तो भगवान को 7 बजे भोजन में बुलाओ। ऐसा करते करते सब जगह की एक ही बात बोली और सभी पत्नी ने भगवान को कहा प्रभु आप कुछ भी करो 7 बजे मेरे महल में आना। भगवान ने कहा कुछ है 7 बजे? बोले एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान किसने दिया? बोला नारद जी ने। भगवान समझ गए नारद जी झगड़ा करवा के गए। भगवान ने नारद जी को तो कुछ कहा नहीं, परंतु सभी रानियों को कहा मैं तो जरूर आऊंगा भोजन करने, पर पति को भोजन कराने का फल तब मिलता है जब साथ में एक ब्राह्मण का भोजन हो। नारद जी को भी बोला भोजन में। सबने नारद जी को कहा नारद जी आप भी भोजन पे आना। नारद जी ने कहा जरूर आऊंगा। 7 बजे रुक्ष्मणी के महल में भोजन करने बैठे, एक तरफ द्वारकाधीश एक तरफ नारद जी, भगवान ने 3 लाडू खड़ा खाए और इनको 6 खिलाए, खाओ खाओ महाराज खाओ। नारद जी 6 लाडू खाया, पानी पिया। ठीक 7 और 5 बजे सत्यभामा के महल में भगवान वहां बैठे। नारद जी 5 मिनट लेट हो गए, कहां थे? खाना ठंडा हो गया? आओ आओ। नारद जी को बिठाया, भगवान ने 3 लाडू खिला खाए, इनको 6 खिलाए। तीसरे महल में भगवान ने 6 खिलाए। नारद जी तो हालत टिली पीटी हो गया, अब कहीं जाना ही नहीं है। खिड़की से देखते हैं सज्जनों, विश्वास मानिए, नारद जी ने प्रत्येक महल में भगवान के दर्शन किए। एक महल में भगवान भोजन कर रहे हैं, एक महल में भगवान चौपाट खेल रहे हैं, एक महल में अपनी पत्नी के साथ भगवान ज्ञान चर्चा कर रहे थे, कहीं गायों का दान तो कहीं शास्त्र चर्चा, कहीं दान, कहीं जप, कहीं तप, कभी कहीं होम, ऐसे विविध लीलाओं में द्वारकाधीश को देखा और नारद जी ने कान पकड़ा, ये परमात्मा एक ही विष्णु अनेक रूप धारण कर सकते। भूल गए नारद जी, अब कभी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए, ये भगवान की लीला है। हमारे गुरु जी कहते थे कृष्ण को बुद्धि की दृष्टि से देखोगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण को अंतरात्मा की दृष्टि से देखो। श्रीमद् भागवत में बताया गया है भक्त्या भागवतम शास्त्रम न तर्केण न च बुद्धया। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, न तर्क से मिलते हैं, न बुद्धि से मिलते हैं। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, वृंदावन में आज भी एक बूढ़े ठाकुर का मंदिर है जिसको बूढ़े ठाकुर जी बोलते हैं। बहुत वर्ष पूर्व उस मथुरा नगरी के पास में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुंदर भजन गाते थे, भजन की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। इन ब्राह्मण के भजनों का इतना सम्मान होता था, लोग इतना सुनने आते थे, उनकी ख्याति प्रख्याति राजा तक पहुंच गई। राजा ने सुना कि भाई फलाने ब्राह्मण है, वो बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बोले उनको महल में बुलाओ। न्योता भेजा गया, ब्राह्मण को कहा आप राजा के महल में भजन गाने आओ। ब्राह्मण ने जवाब दिया मैं केवल भगवान के लिए गाता हूँ, राजा के लिए नहीं गाता, राजा को सुनना है तो मेरे घर आए। ठीक है जाएंगे। राजा तैयार हुए, बोल दिया जाओ उसको, बोलो ब्राह्मण को पुनः पूर्णिमा के दिन राजा भजन सुनने आएंगे। मथुरा में वो वृंदावन में भगवान के मंदिर में भजन का प्रारंभ हुआ। अब भाई राजा आने वाले हैं,
ब्राह्मण के आसपास दो चार लोग थे, उन्होंने समझाया, देखो ब्राह्मण देवता आप बहुत अच्छे हैं, बात ठीक है, परंतु राजा भी तो भगवान होता है, राजा आएंगे तो उनको माला पहना के स्वागत जरूर करना। बोले ठीक है माला बना दो, चार माला बना दी, तीन भगवान के लिए और एक राजा के लिए, तीन माला रखी थी और कहा महाराज ये तीन माला भगवान को पहना दो, ये राजा के लिए रखा है। अब महाराज का कोई ठिकाना नहीं, महाराज तो श्रृंगार करने लगे, एक माला गले में पहना, एक और लंबी, एक और लंबी, और सोचा भगवान के चरणों तक एक लंबी माला आ जाए तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लगेंगे, राजा की माला भी लेकर ठाकुर जी को पहना दी। और रात्रि 12 बजे राजा आए, भजन चल रहा था, अब माला भगवान को तो पहनी हुई निकाल नहीं सकते, तो अब करे क्या। भगत जी अंदर मंदिर में गए और अपने गले में एक मोती की माला थी वो निकाली और भगवान के चरणों में रख दी। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा दर्शन करने आए, वो झूठी माला थी अपने गले से निकाली हुई, राजा को पहना दी, राजा बड़े खुश हुए। रात भर भजन किया, सुबह घर गए, माला निकाल कर जेब में रख दी कुर्ते के, राजा सो गए, सुबह रानी ने कुर्ता लिया अंदर।